नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत निर्माण में स्वामी विवेकानंद का अहम योगदान। चंपावत के अद्वैत आश्रम में आयोजित हुआ प्रबुद्ध भारत पत्रिका का 125वां समारोह। सिनेमा हॉल को लेकर केंद्र की नई गाइडलाइन, 1 फरवरी से पूरी क्षमता से चलाए जा सकेंगे सिनेमा हॉल। 2 शो के बीच रखना होगा पर्याप्त अंतर। पल्स पोलियो अभियान 2021 आज से शुरू। प्रदेश में 14 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। 14,000 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पिलाएंगी 2 बूंद जिंदगी की। और प्रदेश में 8 फरवरी से खुलेंगे 6ठी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल। कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर देना होगा जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंपावत से संचालित प्रबुद्ध भारत पत्रिका के 125वें वार्षिक समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रबुद्ध भारत एक साधारण पत्रिका नहीं अपितु स्वामी विवेकानंद जी की एक अद्भुत सिद्धि है जिसके द्वारा भारत की आत्म चैतन्य को प्रकट किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को पुनः गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रबुद्ध भारत में सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी महान विभूतियां लेख लिखते रहे हैं। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो भाषण के उपरांत 1896 में इस पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका का मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ज्ञान को संपूर्ण विश्व पटल पर पहुंचाना है। यह अद्वैत आश्रम मायावती है। यह रामकृष्ण मठ मिशन का एक ब्रांच है। यहाँ प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन होता है। यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में स्टार्ट किया था। उन्होंने वो जब अमेरिका में थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहकर यह पत्रिका की शुरुआत की। और जब वो अमेरिका से वापस आए तो 1898 से ये रामकृष्ण मठ मिशन के अंडर ये पत्रिका का उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल्स को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 100% सीटों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों से 2 शो के बीच पर्याप्त अंतराल रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने बुकिंग काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया, प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत देशभर के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों से प्रवेश स्थलों पर आगंतुकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए कहा गया है। सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं 100% कैपेसिटी से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग हो यह हम एनकरेज करेंगे। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि भीड़, अचानक आने वाले और जाने वाली भीड़ एकदम ना हो। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहां के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीजें ले जा सकता है।
देशभर में आज से पल्स पोलियो अभियान 2021 शुरू हो गया है। यह दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी खुराक दी जाएगी। राजधानी देहरादून में भी जगह जगह पोलियो बूथ लगाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है। 1 फरवरी से आशा वर्कर घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। यह अभियान 8 फरवरी तक चलेगा। मांडूवाला क्षेत्र की आशा वर्कर बबीता ने बताया कि पोलियो बूथ पर कोरोना को लेकर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज जो है पोलियो दिवस है और ये पोलियो दिवस रविवार के दिन ही होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं, छुट्टी होती है लोगों की, इसलिए हम जो है बच्चों को जो आते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम पोलियो पिलाई जाती है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको हम फ़ोन करके बुलाते हैं। कल से जो है हमारा फील्ड वर्क भी शुरू हो जाएगा, जो यहाँ नहीं आ पाते हैं उनको हम घर घर जाकर पिलाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड की निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि प्रदेश में 0 से 5 साल के 14 लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 10,000 बूथ बनाए गए हैं और 14,000 टीमें तैयार की गई हैं, जो घर घर जाकर छूट गए बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी। आज उत्तराखंड राज्य में समस्त राज्यों की तरह समस्त जिलों में पोलियो की 2 बूंद नवजात शिशु से 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य करीब 14 लाख बच्चों को पोलियो पिलाना है। हमने 10,000 बूथ आज बनाए हुए हैं और 14,000 हमारी टीमें हैं जो घर घर में जाके पोलियो कल से पिलाएंगी, और हमारे 24 लाख घर हैं जो हमारी टीमों द्वारा विजिट किया जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। शासकीय और प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विनियम बनाए गए हैं। राज्य में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित रहेंगे। सभी डिस्पोजल आइटमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्लास्टिक के उत्पादन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। प्लास्टिक के परिवहन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। विक्रेता पर 1 लाख और व्यक्तिगत उपयोग करने वाले पर 100 रूपये का जुर्माना लगेगा। आबकारी विभाग में अब 2 साल के लिए टेंडर होगा और आवंटन भी ई टेंडरिंग से होगा। शराब की दुकानों के खुलने का समय भी तय किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने जो विनियम है वो बनाए गए हैं, उसमें उसको प्रतिबंधित करने का निर्णय पहले से ही था, उसके विनियम बनाए गए हैं। आज आबकारी नीति हम लोगों ने कैबिनेट से पास की है, इसकी प्रक्रिया शुरू करके जल्दी इसका जो प्रोसीजर है उसमें चली जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल के नकुचियाताल में निजी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण के बारे में भ्रम की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिला प्राधिकरण को लेकर कहा जा रहा है कि पर्वतीय जिलों में प्राधिकरण हटा दिए गए हैं और मैदानों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाने वाले असामाजिक लोग हैं, वो समाज में टकराव चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सही नहीं है। जिला विकास प्राधिकरण को फिलहाल स्थगित किया गया है। प्राधिकरण को लेकर कोई भी फैसला बाद में किया जाएगा। अभी मैंने अल्मोड़ा में घोषित किया जिला विकास प्राधिकरणों के स्थगन की। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली। अभी जब मैं यहाँ उतरा तो मुझे फोन आया कि पहाड़ों के लिए कर दिया, मैदानों को छोड़ दिया। तमाम उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूंगा कि ये लोग असामाजिक लोग हैं, जो टकराव चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, इनकी बातों में ना आए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुंभ में भीड़ नियंत्रित किए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों के लोगों को 72 घंटे पहले की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में
कहा कि राज्य में ग्रीन बोनस की डिमांड केंद्र से की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र से कोई सार्थक जवाब मिलेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना काल में राज्य को राजस्व प्राप्ति में 4,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए भी केंद्र को लिखा गया है। कोविड के चलते राज्य को जो है जो राजस्व प्राप्तियां थी उसमें लगभग 4,000 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर हम कुछ सुधार कर लें तो जीडीपी का 2% तक हम लोन ले सकते हैं एक्स्ट्रा। जीडीपी का 1% 2400 करोड़ होता है, 2% 4800 करोड़ होता है, और लेकिन ये सुधारों से लिंक्ड है कि जब हम सुधार करेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसमें उम्मीद हमें है कि हम करीब 3,000 करोड़ की भरपाई करने में समर्थ होंगे। टिहरी बांध की झील के समीप बसे तिवाड़ गांव होमस्टे के हब के रूप में उभर रहा है। गांव में शासन द्वारा चलाई जा रही होमस्टे योजना के तहत एक दर्जन से अधिक लोगों ने अपने पुराने मकानों को होमस्टे के लिए पंजीकृत किया है। इसके बाद गांव से पलायन पर रोक लगी है और ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। ग्रामीण सुमित्रा पवार कहती हैं कि उन्होंने सबसे पहले गांव में अपने घर का पंजीकरण होमस्टे के लिए करवाया और वो स्वयं घर में बैठकर प्रतिदिन 1,000 से 2,000 रुपए कमा लेती हैं। उनके होमस्टे में 10 से 12 सैलानी प्रतिदिन आ रहे हैं। हमारे एक होमस्टे बन रही है, तो ये होमस्टे के चक्कर से सबको रोजगार अच्छी तरह से मिलने लगी। हम लोग तभी बहुत अपने घर को आलू से ले सब्जी मेथी आलू सब हमारे घर में उग दू, हम खुद बढ़ोदा अपना बढ़ोदा और आंदा भी है, गैस भी आंदा आएगी भी है, कभी 12 लोग नोना कभी 14 नोना ये आंदी रहना। वहीं होमस्टे योजना से जुड़े दिलबर सिंह पवार ने बताया कि वे भी गांव छोड़कर शहर में बस गए थे, लेकिन अब गांव वापस आकर इस योजना से जुड़ गए हैं। सरकार द्वारा होमस्टे योजना से जुड़े लोगों को सब्सिडी पर ऋण भी दिया जा रहा है। जब गांव में आना हुआ किसी शादी ब्याह में देखा यहां का जो सरकार की योजना है होमस्टे से, तो लोग बड़े प्रसन्न भी हैं और सब जुड़ गए इस सिस्टम में। कम से कम 17-18 मकान यहाँ बन रहे हैं होम स्टे के तहत, और सब लोग कोई तो स्वयं बना रहा है, कोई गवर्नमेंट से जो सब्सिडाइज स्कीम है उसको लेकर बना रहे हैं, और एक अद्भुत उत्साह देख रहा है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी एसएस यादव ने बताया कि पर्यटन विभाग इस गांव को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। खास तौर से जो हमारा अनुदान वाली योजना है होम स्टे की, उसमें जो तिवाड़ गांव लगा हुआ कोटी कॉलोनी के हैं उसमें 12 इकाइयां ऐसी हैं जो अनुदान के रूप में लाभ लेने वाली हैं, और लगभग 80% इकाइयां यानी 8 इकाइयां ऐसी हैं जो कंप्लीट हो गई हैं, पंजीकरण भी करा लिया है। हमारे जनपद में तिवाड़ गाँव एक ऐसा ग्रामीण होम स्टे के लिए परिवेश में हब के रूप में उभर रहा है और लोग वहां आ भी रहे हैं और बहुत लोगों को उसके सापेक्ष रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। ऋषिकेश श्रीनगर मोटरमार्ग साकणी धार के निकट आज एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। कार श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर आ रही थी। बताया जा रहा है कि कार अचानक ही अनियंत्रित हो गई थी। समाचार लिखे जाने तक एसडीआरएफ की टीम ने एक शव बरामद कर मुख्य मार्ग तक पहुंचा दिया है। शहर में एक खबर आई थी कि गाड़ी गिर गई है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई थी, अब पहुंच भी गई होगी क्योंकि काफी नीचे खाई में गिरी स्विफ्ट का गाड़ी। एचआर हरियाणा का नंबर है शायद, ऐसी कोई प्रारंभिक सूचना मिल रही है और उसमें 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। चूंकि बहुत नीचे है इसलिए लोकल लेवल पे अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया और एसडीआरएफ की टीम का वेट हो रहा है। रामनगर के गोजानी में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। कॉर्बेट की बिजरानी रेंज की सीमा से करीब 50 मीटर दूर हाथी का शव मिला है। हाथी की मौत खेत में लगे बिजली के तार को सूंट से खींचने के चलते हुई है। किसान ने सुरक्षा की दृष्टि से बल्ब लगाया हुआ था। हाथी शनिवार देर शाम को चोरपानी में दिखाई दिया था, जिसे वनकर्मी और ग्रामीण जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये गोजानी क्षेत्र का मामला है और कंडी रोड से लगभग 150 मीटर नीचे की ओर आमपोखरा रेंज में बगीचा है एक आम का, जिसमें गेहूं लगे हैं नीचे। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग बता रहे हैं गांव वाले कि इन्होंने एक बल्ब लगाया था यहाँ, और उस बल्ब को हाथी ने सूंड से पकड़ा है और उसे करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और
बाकी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएंगे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।